तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम की आड़ में NRO लेना चाहती है। PTI की ख्वाहिश है कि मुल्क में अफरा तफरी रहे। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से आईन को मजबूत किया गया। बिलावल भुट्टो ने पार्लियामान की बालादस्ती से जाती मफादात को बालाए ताक रखा। जुल्फिकार अली भुट्टो को 45 साल बाद इंसाफ मिला। पीपल्स पार्टी अफवाज पाकिस्तान और इदारों के साथ खड़ी है। पंजाब को चीनी का 64% बरामदी कोटा मिलेगा। 5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने चीनी बरामद करने की हतमी मंजूरी दे दी। सिंध को 30 और KP को 6% कोटा मिलेगा। वफाकी कैबिनेट ने शुगर एडवाइजरी बोर्ड को निगरानी की जिम्मेदारी दे दी। जराए के मुताबिक मार्केट में निर्ख बढ़ने पर चीनी की बरामद रोक दी जाएगी। बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए मजीद 8 वाटर टैंक्स की तमीर का मनसूबा। रवा माही टेंडर्स तलब किए जाने का इम्कान। हुकूमत पंजाब ने बजट में वाटर टैंक्स की तमीर का मनसूबा शामिल किया है। वास्ता का शोबा कंस्ट्रक्शन वाटर टैंक्स की तमीर का काम करेगा। क्रीम पार्क रावी रोड वाटर टैंक की तमीर के लिए 58.9 करोड़ रुपये। बी ब्लॉक ताजपुरा वाटर टैंक के लिए 1 अरब 12 करोड़ 50 लाख रुपये का तखमीना मंजूर। रेलवे स्टेशन कोपर रोड और वारिस रोड पर वाटर टैंक्स बनाने के लिए भी फंड्स मंजूर। बागों के शहर में स्मॉग का मौसम शुरू। लाहौर आज PLOT के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 239 रिकॉर्ड। शहर में किसी मुकाम पर भी इस वक्त 200 से कम शरह आलूदगी नहीं। शहर में सबसे ज्यादा आलूदगी की शरह गुलबर्ग 2 में 299 रिकॉर्ड, बल्कि रोड पर 295, जौहर टाउन में 248 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड की गई। सूबाई दार हुकूमत में स्मोक की गैर मामूली शरह। महकमे तहफ़ माहौलियात की फुर्तियाँ। सिर्फ शाफाफ इलाकों से स्मोक की शरह रिकॉर्ड करने का इंकशाफ। पंजाब यूनिवर्सिटी कायद आजम कैंपस SC कॉलेज के नार रोड में लुकी बेतहाशा। महकमे शहर के सनती और पसमानी इलाकों का डाटा हासिल करने से खुरेजा। शहर के अहम शाहराओं GT रोड JED रोड मार रोड को मॉनिटरिंग से इस्तेस्ना। मॉनिटरिंग ना होने का मामला लाहौर न्यूज़ ने उठाया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के किसान कार्ड की फालियत और इंसदाद स्मोक स्क्वाड की लॉन्चिंग तकरीब। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की खसूसी शिरकत। मरियम औरंगजेब और वज़ीर सनात पंजाब आशिक इरमानी ने इंसदाद स्मोक स्क्वाड गाड़ियों का मुआयना किया। मरियम औरंगजेब बोली, स्मोक के खात्मे का दौर देखेंगे, सबको अपना किरदार अदा करना होगा। अब स्मोक खात्मे के लिए कदम उठाएंगे तो 8 से 10 साल का वक्त लगेगा। आज जो किसान कार्ड के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब का जो एंटी स्मॉग मिटिगेशन प्लान है, उनका जो विज़न है कि स्मॉग को ना सिर्फ ख़त्म करना है लाहौर के और पंजाब के शहरियों के साथ मिलके, बल्कि अपने माहौल को पाक करना है, जो ग्रीन पंजाब का उनका विज़न है। वज़ीर आला पंजाब ने आते ही स्मॉग के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया। पहली दफ़ा सेक्टोरल पॉलिसी के तमाम सेक्टर्स को, तमाम डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करके एक विजन दिया। पंजाब में डेंगू के डंग तेज। 24 घंटों में मजीद 80 अफराद शिकार। रावलपिंडी से 74, लाहौर से 3 केस रिपोर्ट। अटक, चकवाल और साहिवाल से एक केस रिपोर्ट। एक हफ्ते में 838 रवा साल अब तक 4297 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर क्लीन मिशन जारी। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा का निशा टाउन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। डेंगू वर्कर्स से मुलाकात में डेंगू सूरतहाल पर तबादला ख्याल। बोले, डेंगू लार्वा या मरीज की निशानदही पर मुतासर घर और गिरदोनवा के घरों में फॉगिंग यकीनी बनाए। डेंगू वर्कर्स को मुकम्मल सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। सैयद मूसा रज़ा हरून पार्क में सफाई के नाकिस इंतजाम पर बरहम। सफाई सुथराई के लिए मौसर इकदाम की हिदायत।
एमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में इंटरनेशनल रेस्क्यू चैलेंज का आगाज। मश्क में 23 ममालिक के 274 मंदूबीन की शिरकत। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफी कहते हैं रेस्क्यू टीम के अक़वामे मुत्तहदा की इंसराफ सर्टिफाइड रेस्क्यू टीम बनना पाकिस्तान के लिए बायस फ़ख्र है। इस तरह के इवेंट्स आमी सतह पर प्रोफेशनल टीमों में पेशा वराना सलाहियतें बढ़ाने में हमेशा मददगार साबित होते हैं। हुकूमत पंजाब ने दफा 144 के नफाज का इख्तियार डेप्यूटी कमिश्नर्स को दे दिया। पंजाब असम्बली से मुस्तविदा कानून की मंजूरी के बाद गेजेट नोटिफिकेशन जारी। डेप्यूटी कमिश्नर्स अपने जिले में जरूरत के मुताबिक 23 दिन तक दफा 144 लगा सकेंगे। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को 90 दिन तक दफा 144 के नफाज का इख्तियार दे दिया गया। 90 यौम से शायद अरसे के लिए दफा 144 के नफाज से इख्तियार कैबिनेट के पास होगा। हुकूमत पंजाब ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में तरमीम कर दी। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में अकाल पिछाड़, 6 अफसरान के तकरर तबादले कर दिए गए। फैसल फरीदपुर डीजी पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन तैनात कर दिया गया। तनवीर माजिद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब काउंसिल ऑफ पार्ट्स तैनात। कैप्टन रिटायर फरूख फतेह को डीजी एक्साइज एंड टैक्सीशन तैनात कर दिया गया। मोहम्मद उमर डेप्यूटी कमिश्नर ओकाड़ा, अली अकबर डेप्यूटी कमिश्नर जंग तैनात। मोहम्मद नईम की बतौर डेप्यूटी कमिश्नर टॉबर टेक सिंह की तकर्री का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। पंजाब की धीरानी सबसे अच्छी सबसे सियानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब धीरानी प्रोग्राम शुरू। नए जोड़ों को एटीएम के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। हर जोड़े के 20 मेहमानों को खाना भी पेश किया जाएगा। जोड़े को जरूरी फर्नीचर बर्तन कपड़े और दीकर रोजमर इस्तेमाल की अशिया का तोहफा पेश किया जाएगा। इज्तमाही शादियों के लिए पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत दरख्वास्तों की वसूली शुरू। हुकूमत पंजाब ने वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज की अथॉरिटी बनाने की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में पंजाब के 5 वासा को अथॉरिटी का दर्जा देने की तजवीज़। वासा का बतौर अथॉरिटी के आम में अमल में लाने से इदारे पर डीजी तैनात किया जाएगा। अथॉरिटी बनाने के बाद ये इदारे रेवन्यू और अखराजात के खुद जिम्मेदार होंगे। अथॉरिटी की तश्कील के लिए मुस्तविदा पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के तलबा का फीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। मुसाहिरीन के मुताबिक पिछले साल की निस्बत फीसों को डबल कर दिया गया है। नए दाखिल होने वाले एक भी स्टूडेंट को हॉस्टल भी नहीं दिया गया। प्रिंसिपल लॉ कॉलेज मुतालबात पेश करने वालों पर प्रेशर डालते हैं। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते एहतजाज जारी रखा जाएगा। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल कैंट का अचानक दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। बोले शरा खानगी में इजाफे के लिए तालीम पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। तालीमी काबिलियत बढ़ाने के लिए उस्तादा की ट्रेनिंग भी इंतहाई ज़रूरी है। स्कूल सरबराहान को टाइम टेबल पर खसूसी तवज्जो देने की हिदायत की। मॉनिटरिंग और तालीमी मियार की बेहतरी के लिए आपको स्कूलों का मुआयना करूँगा। महकमा स्कूल एजुकेशन की सुस्ती। एजुकेशन अथॉरिटीज़ में अफसरान की तकरियों अल्तवा का शिकार। सूबे की 36 एजुकेशन अथॉरिटीज़ में नए सीईओ तैनात होने हैं। कायद अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट से ट्रेनिंग के बाद उम्मीदवार तैनात के मुंतजर। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक 1 से 2 दिन में उम्मीदवारों की तकरीरी कर दी जाएगी। ओवर चार्जिंग को रोकने के लिए लाहौर पार्किंग कंपनी का एक और तजुर्बा। शहर की 3 बड़ी पार्किंग साइट्स को हाइब्रिड मॉडल के जरिए कैशलेस करने का फैसला। पहले मरहले में दादा दरबार बेसमेंट लिबर्टी मार्केट और डूंगी ग्राउंड प्लाजा एमएम आलम रोड पर हाइब्रिड मॉडल मुतारिफ करवाया जाएगा। हाइब्रिड मॉडल में जी टैग, QR कोड और डिजिटल टिकट सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। लाहौर पार्किंग कंपनी के मुताबिक महाना गाड़ी पार्क करने वालों की गाड़ी को टैग लगाया जाएगा।
महकमा रेलवे ने रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी को नज़रअंदाज कर दिया। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का सामान चेक करने के लिए कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं। अरसे दराज से खराब सिक्योरिटी कैमरे और लेग स्कैनर ठीक न हो सके। लेग स्कैनर खराब होने के बाद मुनशियात और दीगर ममन अशिया को ट्रेस करना भी मुमकिन न रहा। रेलवे स्टेशन पर नस्ब 40 कैमरों में से 36 खराब हैं।